23 अगस्त पिछले 24 घंटा में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में नॉर्थ उड़ीसा में फ्यू प्लेसेस में बारिश हुआ है और हैवी रेनफॉल हुआ है। धनकनाल डिस्ट्रिक्ट का कनकादहत में 74.0 मिलीमीटर, केउनझार डिस्ट्रिक्ट का घासीपारा में रेनफॉल था 64.1 मिलीमीटर, नोआगांव नोएगा डिस्ट्रिक्ट में 62.0 मिलीमीटर, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का रायघर में 60.4 मिलीमीटर, स्टेट एवरेज रेनफॉल था 6.5 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 8.9 मिलीमीटर। अभी हमारा सीजनल जो स्थिति है, पहले जून से आज 23 अगस्त तक टोटल रेनफॉल हुआ है 750.3 मिलीमीटर, इस समय तक का स्वाभाविक है 831.8 मिलीमीटर, 10% कम है बट स्वाभाविक रेंज में ही है। बोध डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस रेनफॉल हुआ है और 18 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक रेंज में है, 11 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से कम है। अभी फोरकास्ट हमारा अगला 5 दिन का जो है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ होने का पॉसिबिलिटी है। हेवी रेनफॉल भी एक तो जगह में हो सकता है थंडरस्टॉर्म का साथ। थंडरस्टॉर्म का ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारा नॉर्थ उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में ही, साउथ उड़ीसा में बोलांगीर सोनपुर बोध कंधमाल गंजाम नयागढ़ खुर्दा पुरी इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है बोलांगीर वरागढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केउनझर मयूरभंज ओंगुल देवगढ़ बोध कटक मलकानगिरी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर कल स्लाइटली बारिश इंक्रीज कर सकता है नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, साउथ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। हेवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके पॉसिबिलिटी है। फिर 25-26 में भी मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगा हल्का से मध्यम, 27 में बारिश और 26 से ग्रेजुअली कम होने का चांसेस है, 26-27 में बारिश कम ही रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में आज आफ्टरनून का तरफ जनरली क्लाउडी स्काई का साथ कुछ कुछ एरिया में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश का आफ्टरनून बाय इवनिंग का तरफ पॉसिबिलिटी है।